नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम 21 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश के प्रिंस भारत यात्रा पर आए थे? ए सऊदी अरब, बी ईरान या सी लंदन। इसका सही आंसर है ए सऊदी अरब के प्रिंस आए थे भारत यात्रा पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया गया? ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय या सी वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस विभाग द्वारा टेली लॉ मोबाइल ऐप न्याय बंधु लॉन्च किया गया? ए न्याय विभाग, बी शिक्षा विभाग या सी कर विभाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का ए न्याय विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कलिया छात्रवृत्ति कहाँ शुरू की गई? कलिया छात्रवृत्ति कहाँ शुरू की गई? ए ओडिशा में, बी असम में या सी बिहार में। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में। कलिया छात्रवृत्ति की शुरुआत कहाँ की गई? ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इसके सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, सीएम नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए मुंबई में, बी कोलकाता में या सी नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 6, 8वां विश्व CSR सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? ए बंगलौर में, बी नई दिल्ली में या सी मुंबई में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। 8वां विश्व CSR सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 4था भारत आसियान एक्सपो सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में या सी लखनऊ में। इसका सही आंसर है बी नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भारत आसियान व्यापार और निवेश संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। चीन के बाद आसियान भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका कुल द्विपक्षीय व्यापार 81.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कौन से देश के द्विदिवसीय दौरे पर गए? ए अमेरिका, बी चीन या सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के 2 दिवसीय यात्रा पे मोदी जी गए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल ट्रेंडिंग है। मुद्रा इसकी क्या है? दक्षिण कोरियाई है। दक्षिण कोरियाई जीता राष्ट्रपति इसके हैं मून जे इन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आरंभ किया गया? ए काठमांडू में, बी लंदन में या सी अमेरिका में। इसका सही आंसर है ए काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? ए 20 फरवरी, बी 21 फरवरी या सी 19 फरवरी। इसका सही आंसर है बी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस वर्ष की थीम क्या थी? इंडिजीनियस लैंग्वेजेस मैटर फॉर डेवलपमेंट, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन होगी इसकी थीम होगी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता का निधन हुआ है? राजकुमार बड़जात्या का निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसे दिया गया? नोवाक जोकोविच को स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस अवार्ड दिया गया, नोवाक जोकोविच को। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।